भाद्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ऋषि तर्पण से आरंभ होकर आश्विन कृष्ण अमावस्या तक पितृ पक्ष होता है। शनिवार को इसी को लेकर लोगों ने पितरों की पूजा की और उनके नाम से तर्पण श्राद्ध पिंड दान और ब्राह्मण भोजन करवाया। आज पितृ पक्ष समाप्त हो रहा है। शनि और सर्वपितृ अमावस्या के संयोग से आज शनि अमावस्या है। इस बार पितृ शनि अमावस्या के दिन विदा हो रहे हैं। इससे पहले 1999 में इस तरह का संयोग बना था। इस संयोग में पितरों की विदाई उनके वंशजों के लिए सौभाग्यशाली मानी जाती है। इस दौरान नर्मदा में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने नर्मदा में स्नान कर दान एवं पितृमोक्ष तर्पण किया। नर्मदा के स्नान घाटों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर परिषद द्वारा स्वच्छता वाहनों एवं कर्मचारियों को तैनात किया गया था। नगर परिषद CMO अनिल जोशी स्वयं मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा और लोगों को शांति बनाए रखने का संदेश दिया गया। मैं इस समय खड़ा हूँ इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे के उस पुल पर जो देवास जिले और हरदा जिले को जोड़ने के लिए नर्मदा नदी पर बनाया गया है। आज अमावस्या का महापर्व है। अमावस्या महापर्व का इसलिए भी अत्यधिक महत्व है कि कल से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस अमावस्या पर भूत प्रेत बाधाओं से जो लोग पीड़ित होते हैं उनको मुक्त करने के लिए देवधामी बोझाए भी यहाँ नर्मदा तट पहुँचते हैं और उन्हें स्नान कराकर उनको भूत प्रेत आत्माओं से मुक्त कराते हैं। मेमोर के नर्मदा तट से समाचार एक्सप्रेस के लिए अनिल उपाध्याय। व्यवस्था हो चुकी है सर और बड़ी शांति से स्नान का काम किया जा रहा है और श्रद्धालु लोग बड़े प्रेम से अपने स्नान कर रहे हैं और किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, सब तरह की व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई है। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है और माननीय डॉक्टर साहब, SP साहब, SDM साहब बार बार निर्देश और यहीं पर रखे हुए हर 15-20 दिन में रिपोर्टिंग करना है। सर हमें यह स्वच्छता अभियान के तहत कुछ गाड़ियां नगर पंचायत की दिख रही है सर, ये क्या व्यवस्था है सर? सर ये नगर पंचायत की जो नक्शियाँ हैं नई खराब हो रही है, पन्नियाँ मना करने पर भी पब्लिक है मान रही है, उसकी सफाई के लिए भी सर गाड़ियों में डालती है। क्या व्यवस्था है? पुलिस प्रशासन की माकूल व्यवस्था है। करीब 350 का बल लगा है यहाँ पे। ये तीनों अमावस्या एक साथ है, शनिवार अमावस्या, भद्रवाह अमावस्या और पितृशोक का अमावस्या है। तो इसमें काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान करने के लिए। सुचारू रूप से व्यवस्था कर रही है, पुलिस बल लगा है ताकि किसी प्रकार की प्रदर्शन न हो। पर्याप्त व्यवस्था पुलिस के साथ सभी लोग स्नान करके आवागमन जारी है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।